वियतनाम में इन दिनों सारिका तूफान ने कहर बरपाया हुआ है। इस तूफान ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और इससे लाखों का नुकसान हुआ है। अब इस तूफान ने दक्षिण चीन सागर में दस्तक दी है, जिसको लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ऐसा तूफान जिसने चीन की नींदें उड़ा दी है, ऐसा तूफान जिसने फिलीपींस वियतनाम को छकछोर के रख दिया, ऐसा तूफान जिसने दक्षिण चीन में खौफ भर दिया है। इस साल का 21वां सबसे बड़ा तूफान सारिका, जिसने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। ये तस्वीरें उस महातूफान की है जिसने 30 से ज्यादा जिंदगियों को मौत की नींद सुला दिया। इस तूफान के सामने जो भी आया तिनके की तरह उड़ गया। फिलीपींस और वियतनाम में तबाही मचाने के बाद अब सारिका तूफान ने दक्षिण चीन के हैनान प्रांत में दस्तक दी है। तूफान मंगलवार को 162 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की तेज हवाओं के साथ वानिंग शहर के हेले कस्बे में पहुंच गया है। वहीं तूफान के चलते एहतियात के तौर पर निचले इलाकों में रह रहे 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। चीनी मौसम सेंटर ने सर्वोच्च स्तर पर रेड अलर्ट जारी किया है। अब आपको तूफान से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं के बारे में बताते हैं कि आखिर इन तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं और कब इन तूफानों के नाम रखने की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं। जिस तरह से व्यक्ति की पहचान होती है, उसी तरह सुनामी, कटरीना, सैंडी जैसे तूफान भी अपने नामों से जाने जाते हैं। इन दिनों सारिका तूफान ने भी काफी तबाही मचाई हुई है। इस तूफान का नाम कंबोडिया की सिंगिंग बर्ड सारिका के नाम पर रखा गया। तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, इसकी प्रक्रिया बड़ी ही रोचक है। आम लोगों को तूफान के बारे में लिखित या ब्रॉडकास्टिंग के जरिए जानकारी देने के लिए जरूरी था तूफान का नाम होना। बस इसी तरह शुरू हुई तूफानों के नामकरण की प्रक्रिया। अध्ययन बताते हैं कि 1950 तक तूफानों को उनके सन के हिसाब से जाना जाता था, जैसे 1946A, 1946B। 1950 के बाद तूफानों के फीमेल नाम रखे जाने लगे। 1979 से पुरुषों के नाम पर भी तूफान अस्तित्व में आए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अंतर्राष्ट्रीय संस्था एक कड़ी प्रक्रिया के द्वारा तूफानों के वास्तविक नाम चुनती है। इनके नाम 6 अलग अलग लिस्ट में से रोटेट करके रखे जाते हैं। हर लिस्ट में 21 नाम होते हैं, जिन्हें वर्णमाला के हर वर्ण क्यू, यू, एक्स, वाई और जेड को छोड़कर से शुरू किया जाता है। इसके नियम है कि नाम छोटे और अंग्रेजी, स्पेनिश या फ्रेंच भाषा में होने चाहिए। कैरेबियन भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस लिस्ट की हर 6 साल में पुनरावृत्ति की जाती है। जो तूफान ज्यादा तबाही मचाते हैं उन्हें सूची से हटा दिया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय मौसम विज्ञान क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम केंद्र होने की वजह से भारत के अलावा 7 अन्य देशों बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका को मौसम संबंधी परामर्श जारी करता है। वैसे तूफानों के नामकरण के लिए भारत ने इन देशों से भी नाम मांगे थे। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अब तक कुल 64 नामों की सूची तैयार की गई है, जिनमें से 22 का इस्तेमाल हो चुका है। वैसे यहाँ एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि फीमेल नाम के तूफान ज्यादा तबाही मचाते हैं। इलिनोइज और एरिजोना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया है कि फीमेल नाम वाले तूफानों को लोग ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि सबसे ज्यादा तबाही यही मचाते हैं। 1950 और 1912 के बीच 6 दशक के तूफानों की जांच में पता चला है कि 47 विनाशकारी तूफानों के नाम फीमेल थे और इनमें मृतकों की संख्या मेल नाम के तूफानों में मृत लोगों से 2 गुनी थी। इसी तरह सुनामी ने हिंद महासागर से लगे 14 देशों में भारी तबाही मचाई थी। इसमें 2,90,000 लोगों की मौत हुई थी। सुनामी जापानी नाम है और इसका अर्थ होता है ओवरफ्लो होने वाली लहरें। ऐसे ही भारत में भी इस साल रेनू, हुदहुद और कटरीना तूफान ने तबाही मचाई थी, जिनमें कई लोगों की मौत हुई थी और लाखों का नुकसान भी हुआ था।
तो काफी दिलचस्प प्रक्रिया के तहत तूफान के नामों का चुनाव किया जाता है। देश इन नामों को आरक्षित करते हैं और फिर इनमें से तूफान के नाम का ऐलान किया जाता है। ऐसे ही और रोचक जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए टीवी लाइव।